आज के इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भिन्न या भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 5 + 3/5 भागा 2 पूर्णांक 1/3 का 4/5 का 3/4। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि सबसे पहले हम का भागा गुना प्लस माइनस, सबसे पहले इन पांचों में से हम लोग का की क्रिया करेंगे। उसके बाद भागा गुना, उसके बाद प्लस माइनस। का मतलब होता है गुना, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से कोई दूसरा हिसाब भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है। अगर का रहेगा, सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भागा गुना, फिर प्लस माइनस की क्रिया करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सरल करते हैं। 5 है, यहाँ हम सुविधा के लिए 1 दे सकते हैं, क्यों? कि अगर हम लोग 1 × 5 = 5 फिर उतना ही हो जाएगा। अगर 5 को हम लोग भागा देंगे तो 5 × 5 ही होगा, इसलिए हम लोग सुविधा के लिए यहां पर 1 दे सकते हैं, ठीक है। प्लस 3/5 भागा, यहां पूर्णांक में है तो इसको हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक और जो हर है ये दोनों को गुणा करते हैं और ये अंश से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 × 3 = 6 और 1 = 7, 7/3 इतना हो गया। का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना 4/5, का मतलब गुना 3/4। तो सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे, मतलब का जो है पहले उसकी हम लोग क्रिया पूरा करेंगे। यहां पर क्या है, 4 है, 4 है कैंसिल, 4 × 4 = 4, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, तो बचा कितना, 7/5 बचा, ठीक है। फिर लिखेंगे 5/1 + 3/5 भागा 7/5, 7 × 7 = 5, क्योंकि सब पूरा पूरा कट चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, भागा की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पहले भागा की क्रिया करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, क्योंकि गुना तो है नहीं इसके बाद। तो भागा को 5/1 + 3/5 भागा को जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे, गुना में तब्दील करेंगे, तो क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये 5 जो है नीचे है तो ऊपर चला आएगा और ये 7 नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 × 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 5/1 + ऊपर में 3 और नीचे 7, 3/7। 1 और 7 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7 ही एलसीएम आएगा, 7 × 1 = 7, 1 को 7 से अगर भागा देंगे तो 7 ही होगा। 7 को इससे क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, 7 × 5 = 35 प्लस 7 को 7 से अगर हम लोग भागा लगाएंगे तो 1 होगा, गुना 3, 3 × 3 तो बराबर 35 और 3 = 38, 38/7। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज कर देंगे। पूर्णांक में चेंज करने के लिए हम लोग भागा लगाएंगे, 7 × 5 = 35, 8 में 5 चला गया 3, भागा आप सब लोगों को आता ही होगा। अब इसको पूर्णांक में करने के लिए जो भागफल है वो पूर्णांक रहेगा, जो शेष बचा है वो चला जाएगा अंश के ऊपर, अंश में, और ये जो है भाजक जो है यहाँ पर आ जाएगा हर में। तब क्या हो जाएगा, 5/3/7। इस तरह से हमने भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण किया। सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे। यदि कोष्ट के बाहर अगर पहले का है, फिर भागा है, फिर गुना है, तो सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करेंगे। कोष्ट के बाद अगर कोष्ट है तो पहले कोष्ट की हम लोग क्रिया करते हैं, मतलब बड़ी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद का भागा गुना प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर
कोस्ट वाला सिस्टम है ही नहीं, कोस्ट नहीं है, तो सबसे पहले का की क्रिया को पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5/1 + 3/5 / 7/3, 2 × 3 = 7/3, का का मतलब गुना 4/5, का का मतलब गुना 3/4, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 7/5, 5/1 + 3/5 / 7/5, फिर उसको यहाँ पर उतार दिए। भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, जब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो अंश हर में आएगा और हर अंश में जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो गुना 5/7 हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5/1 यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 7 बढ़ा, तो 3/7 हो गया, 7 और 1 का मतलब एलसीएम निकाले तो 7 ही निकला, 7 × 7, 1 को 7 से भागा लगाएंगे तो 7 ही आएगा, गुना इससे गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 7 को अगर भागा लगाएंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को 3 से गुना कर देंगे, 3 × 3 = 35 और 3 × 38/7, इसको हम लोग भागा दे करके पूर्णांक में कर दिए। तो इस तरह से आप भी भिन्नों का सरलीकरण आसानी के साथ कर सकते हैं।